यूजुअली पाव ना थोड़े मोटे होते हैं तो उसमें ब्रेडी ब्रेडी टेक्सचर आता है, इसमें भाजी भी इन्होंने डबल डाली है, सब कुछ स्टफिंग भी डबल डाली है। मैंने बहुत शकरकंदी चाट खाई है, ऐसी बिल्कुल नहीं खाई। एक है नॉर्मल पनीर डोसा विदाउट द बटर, एक है विद बटर। मन नहीं कर रहा नजर हटाने का। हाय गाइस, टर्न टू द साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पी लो, क्योंकि ये पानीपत की वीडियो, ऐसे गंदे जोक्स आते रहेंगे इस वीडियो में, बट जो साथ में रहेगा वो बढ़िया खाना रहेगा, स्ट्रीट फूड, शाम का नाइट स्ट्रीट फूड पानीपत का। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक कर दो, कॉमेंट करो और पानी लेके बैठ जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गंदे जोक्स के लिए। और अच्छा खाना प्योर वेज। अब ये चालू कर रहे हैं? हाँ जी, अब स्टार्ट करेंगे। पूरा धुआं कर दिया। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मंजीत है जी, दुकान का नाम बाबा फास्ट फूड है। हाँ, दुकान का नाम ज़्यादा जरूरी है। ये क्या एड्रेस पड़ता है इसका? ये एड्रेस है जी, पहले तो मेरी वहाँ से अगले चौक पे, प्रति चौक पे। अच्छा, अब ये रविंद्र हॉस्पिटल के सामने। रविंद्र हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कुछ 5-6 एक साथ बना रहे हैं शायद आप? 10-12-15 का मसाला बनाएंगे। अच्छा, जैसे जो कोई मांगेगा वैसे ऑर्डर बनाते हैं। अभी तड़के में प्याज को थोड़ा करा भुना, अब इस पर मसाला डाल रहे हैं अपना। हाँ जी, हाँ। इसमें क्या क्या रहता है? आलू, आलू और पेठा भिंडी मिक्स वेज होती है, जैसे पाव भाजी होती है ना। अच्छा, हाँ जी, आलू पेठा भिंडी मिक्स वेज, और ये केचप और ग्रीन चिली सॉस। हाँ जी, पसंद करते हैं लोग बड़ा पानीपत में आपका हॉट डॉग? बस जी, बाबा की कृपा से है। और क्या रुपये रेट रहता है इसका? वही 35 बताया था मैंने आपको, 35 सिंपल है, पनीर डाल के 60 रुपया। अच्छा, पनीर वाला भी रहता है? पनीर वाला 60। दो, ये दो ही होते हैं। आप एक पनीर वाला कर दीजिएगा हमारा भी अभी। और टाइमिंग्स आपके क्या रहते हैं? 4 से 10 बजे। 4 से 10 तक। अभी जो सारा बटर और प्याज का तड़का है ये भाजी के साथ मिक्स कर दिया बस। हाँ जी, भाजी भी गर्म हो गई, तड़का भी रच गया उसके साथ। हाँ, अब बंस के साथ लगाते रहेंगे। अब ये बंस लग रहे हैं, सॉसेस भी पड़ी थी इसमें, बंस के अंदर भी सॉसेस पड़ेगी। हम लोग स्पेशल वाला ले रहे हैं तो हमारा जो है एकदम प्राइस भी ऑलमोस्ट 2x हो जाएगा, बट उसका मज़ा भी 2x हो जाएगा, क्योंकि उसमें पनीर पड़ेगा बहुत। इसको पाव बोलते हो क्या? बर्गर बन बोलते हो क्या? बोलते हैं? हाँ जी, इसको पाव ही बोलते हैं। पाव बोलते हैं, कई नाम है, कोई डबल रोटी कहता है, कोई पाव कहता है। अच्छा, ये बड़े अलग ही लग रहे हैं, मतलब ये बेकरी से आते होंगे? ये बेकरी से। हाँ, सॉफ्ट लग रहे हैं ना, देखो एकदम छोटे ताज़े आते हैं अभी, ताज़े आते हैं। केचप पड़ रहा है इसके अंदर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आओ जी, वही जो सॉसेस इसको बनाते टाइम, भाजी बनाते टाइम डली थी। हाँ जी, वही वही ऊपर डाल रहे हैं, और ऊपर थोड़ी मेयोनीज वगैरह भी आएगी फिर, वो अभी धीरे धीरे आएगा। अच्छा, डबल डबल होता है क्या? हाँ, दोनों तरफ चलती है मेयोनीज, फिर प्याज डालेंगे पहले। पूरा भर भर के बनता है ये, खा के पेट भरेगा पूरा अच्छे से। तो ये कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? ये तो सी बी एच हो गए, 7-8 साल। 7-8 साल, मतलब ये थोड़ा, इसको क्या हॉट डॉग बोलते हैं? हॉट डॉग। हाँ, तो ये मतलब ये हॉट डॉग का ख्याल कैसे है? मतलब बर्गर रहता है जैसे, तो चाट वगैरह रहता है? बनाई थी अपने लग से। अभी तो फिर लोग थोड़ा जानने लगे हैं, 7-8 साल पहले हॉट डॉग ज़्यादा मशहूर नहीं था ना इतना। हाँ जी, पहले नहीं था। तो फिर कैसे ख्याल आया हॉट डॉग का आज करते हैं? बर्गर भी लगाते थे, चौमिन भी लगाते थे। अच्छा, हॉट डॉग भी लगाते थे। अच्छा, तो उससे कस्टमर ने बोला ये भैया ज़्यादा बढ़िया बनाते हो आप, ये खिलाओ आप सबको। बस बस बस, समझ गए। पूरा तवा सज चुका है और इधर भाजी बड़ी हुई है। अब ये भाजी लगते रहेगी, भीड़ तो इतनी आ गई इनकी, ये सारे हाथों हाथ निकल जाएंगे। इसमें एक हमारा पनीर वाला भी डाला हुआ है ना? अब डालो। पनीर का भी अच्छा खासा मोटा पीस चलता है इसमें। पनीर आई थिंक बटर में सोक होगा, थोड़ा सेका जाएगा, कट्स पड़े और बटर पड़ेगा। स्ट्रीट फूड अमाउंट ऑफ बटर पड़ा पनीर में, और सब में जाएगा मेयो। स्टफिंग इसमें देख रहे हो डबल भर के है, ये डबल का मज़ा। हाँ, सब कुछ ही दोनों तरफ है, डबल का मज़ा है। और पनीर की भी डबल सिकाई। ओह नाइस, दैट इज़ नाइस भाई। अब इसकी फिर से बटर में सिकाई होगी। हाँ जी, ये चढ़ गया अपना वाला भी। इनका पाव भी ना थोड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है, थोड़ा अजीब अच्छा सा लग रहा है। मतलब यूजुअली पाव ना थोड़े मोटे होते हैं तो उसमें ब्रेडी ब्रेडी टेक्सचर आता है, इसमें भाजी भी इन्होंने डबल डाली है, सब कुछ स्टफिंग भी डबल डाली है, मेयो वगैरह भी डबल डाली है, और हमारे पनीर वाले में तो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी तगड़ा होने वाला है। अब भी इमेजिन करना थोड़ा ईजी हो जाता है, पर आप सोचे ये 8-10 साल पहले तो तब सिर्फ बर्गर वर्गर ही चलते थे। तो भाई ट्यूशन के बाहर बर्गर वाले भैया जो थे वो ऐसे स्ट्रीट स्टाइल के बर्गर बनाते थे, बट एक ना कुछ अगर आपने देखो एसिड टाइप के मसाले के बर्गर भी बनते हैं।
तो इसको आप हॉट डॉग भी बोल सकते हो, आप देसी बर्गर भी बोल सकते हो, जो जैसे नाम देना है जिसको। जैसे वो भैया बोल रहे थे पाव का अलग अलग नाम होता है, क्या नाम बताया था उन्होंने? डबल रोटी, डबल डबल रोटी, डबल रोटी। हाँ पाव बोल लो, बन बोल लो, जैसे जिसको बन भी बोल देते हैं, बन भी बोल लो, जैसे तीन नाम है, तीन चार। हाँ अपनी श्रद्धा अनुसार जो बुलाना है बुला लो, स्वाद आना है बस आपने। इसको आप 1/2 काट के दोगे ना? हाँ जी, इजी रहता ना खाना। हाँ इतना तो आपने इसमें सामान भर दिया, एक बारी में तो खाना मुश्किल है। पर पूरा लोडेड रहता है, मतलब बढ़िया टेस्ट आने वाला है मेरे को लग रहा है। इससे पता क्या होता है, वो जैसे ये आप ब्रांडेड बर्गर खाते हो ना, उनके जो बंस होते हैं वो थोड़े ड्राई से लगते हैं ना, ये सेक के थोड़े मॉइस्ट हो जाते हैं बंस भी। जैसे वो टोस्टेड ब्रेड होती है ना कुरमुरे से, हाँ क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है। तो जैसे वो टोस्टेड ब्रेड वर्सेज नॉर्मल ब्रेड वाले सैंडविच का फ़र्क होता है, कि वही सैंडविच का फ़र्क होता है। और आप देखो उतने से बस ब्रेड को हल्का सा तवे पे सेकने से इतना कुरमुरा हो जाता है। ये वाला तो प्लीज़ देखो इतना बढ़िया, वो वाला भी बढ़िया लग रहा है। पैकेजिंग ऐसी है या फिर पता नहीं कैसे है कि आप इसको डिलीवरी भी कर लो, आपको सबको दे। ये मतलब ऐसे यार इसको ना थोड़ा आके विस्तार में समझते हैं। पानीपत के दोस्त हमें शुभम भाई लेके आए हैं यहाँ पे, आपको लाने के लिए हम एक वो देते हैं। नहीं खाएंगे सब मिलके खाएंगे, काफ़ी क्रेजी लग रहा है देखो। मतलब ऐसे पनीर की लेयर देखो, वो पनीर का पीस इतना सॉफ्ट हो गया कि ना वो नीचे कहीं छुप गया जाके, देख रहे हो कमाल का लग रहा है। बटरी बटरी पाव क्रिस्पी हो गया बाहर के और अंदर से पनीर सॉफ्ट हो चुका है। 60-35 ऐसे ही कुछ रेट है, विद पनीर 60-65 और विदाउट 30-35। ओहो पता कैसे मज़ा आ रहा है मेरे को, जैसे किसी ने मेरे को क्रिस्पी क्रिस्पी पाव सेक दिया, उसके अंदर डाल दियो भाजी और साथ में दे दियो पनीर। और वो अगर आपने सोचा हो ना ध्यान से कि अपना प्याज जो होता है ना पाव भाजी के साथ कुछ लोग लेके खाते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर है। सौंधा सौंधा प्याज स्टार्टिंग में और फिर कच्चा प्याज ऊपर, इतना प्याज का क्रंच आ रहा है, पाव का टेक्सचर, पनीर की सॉफ्टनेस, भाजी का वो बटरी बटरी सा फ्लेवर। पानीपत का खाना सिर्फ इतना नहीं है, अभी आपको और बेहतरीन चीज़ें दिखाते हैं। ये चल रहा है नाइट स्ट्रीट फूड इन पानीपत, रात अभी होने वाली है, चलते चलते रात हो जाएगी, हम थोड़ा जल्दी आ गए ना। ये बिजी एरिया है मॉडल टाउन का, अभी हम लोग हैं पानीपत में, पर पानीपत में होके हम लोग सोनीपत चाट खा रहे हैं। इसकी मिस्ट्री अभी समझेंगे, यहाँ पे बहुत फेमस है शकरकंदी चाट और फ्रूट चाट। आइए आपको दिखाते हैं इनका जायका और पता करते हैं पानीपत में क्यों है सोनीपत फूड। एक शकरकंदी चाट और एक आप नॉर्मल चाट भी लगा दीजिए। फ्रूट चाट में क्या क्या रहता है? आलू, केला, सेब, पपीता, पाइनएप्पल, सारी चीज़ें रहती है। और क्या रेट रहता है इसका? 40 रुपये। 40 रुपये का। इसका ये सोनीपत चाट नाम कैसे पड़ा इसका? हम रहने वाले सोनीपत के। अच्छा, मैं वही तब से सोच रहा था पानीपत में है नाम सोनीपत। रहने वाले सोनीपत के हैं, हमारे को नाम से कोई नहीं जानता। अच्छा, हर बंदा सोनीपत वाले के नाम। हाँ, इसलिए इसका नाम सोनीपत चाट। तो इसको कितना समय हो गया? हमारे को यहाँ पे 30 साल। 30 साल हो गए। अच्छा, इसमें फ्रूट्स वगैरह पड़ रहे हैं, मसाले पड़े हैं, इसमें हरी चटनी पड़ी, स्प्राउट्स पड़े। ये किस चीज़ की चटनी है? आमचूर की चटनी है। एक जगह पे हमारा फ्रूट चाट बन रहा है और दूसरी जगह पे शकरकंदी फ्राई हो रही है। अरे प्रभु, 100 रुपये। और शकरकंदी क्या रेट है? दोनों 40 है। चाट आपके पास 2-3 ही है, मतलब एक ये, अच्छा 3 सिर्फ सिंपल। अच्छा, प्राइस भी सेम, चाट भी 3। हमारी ड्राई फ्रूट चाट। ड्राई फ्रूट चाट वो कैसे रहती है? उसके अंदर अंगूर, अनार, अच्छा काजू, किशमिश, थोड़ी शाही रहती है वो, पनीर, अच्छा और शकरकंदी फ्राई करके। बाहर रबड़ी फलूदा, अंदर फ्रूट का सामान। बड़ा टाइम हो गया मेरे को भी ना फ्रूट चाट खाए, मैंने लास्ट फ्रूट चाट कब खाई थी? एक्चुअली जब चाट बनी थी ना वो इसी कारण से बनी थी कि ना आप अपना पेट वगैरह सब साफ रखो और उसमें मसाले वगैरह इतने सब पुराने ज़माने की चीज़ें आती है ना, तो इट वॉज सपोज टू बी दैट थिंग विच कुड हेल्प यू रिकवर योर बैड स्टमक। अभी एक दही भल्ला, गोलगप्पे वगैरह में फंस गए हम लोग। पेट खराब करने वाली आइटम है। दाल को हैवी कर देता है दाल की। तो इसमें आप दाल भी डालते हैं इसमें? कौन सी? ये मोटी दाल डालते हैं? लोबिया डालती है। लाल लोबिया खाली इसलिए, अच्छा चटनी लपेट में आ जाए। हाँ वरना उसको चिपक चिपकती नहीं, अगर वो अलग रह जाएगा। हाँ इसमें सारा कुछ। अब ये देखो, आप देखो लपेट में आई,
अच्छा ये पता कैसे लग रहा है, भरवा आलू। अच्छा ये शकरकंदी का मसाला थोड़ा अलग रहता है, सेम ही रहता है ये आपका मसाला रहता है, मिक्स मसाला। ये हरी चटनी हो गई, और ये वाली जो चटनी आपकी ये काफ़ी अलग लग रही थी, अभी खुलेगी तो पता चलेगा। हाँ ये एक बार ज़रा थोड़ा मार के भी दिखाइए, आमचूर की चटनी रहती है बस। हम किसी भी चटनी में ना इमली यूज़ नहीं करते। अच्छा खट्टी में भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये मतलब मैंने बहुत शकरकंदी चाट खाई है, ऐसी बिल्कुल नहीं खाई, ये काफ़ी अलग ही है, अनोखा तरीका है ये, बहुत ही मतलब। और खाइए। हाँ बिल्कुल, खाते रहिए। हाँ लोगों ने बहुत बोला था कि भाई पानीपत का सोनीपत, पानीपत का सोनीपत चाट का चाट तो ट्राई करिएगा, पर खासकर पानीपत का सोनीपत चाट का चाट तो ट्राई करिएगा, पर खासकर चुस्का लीजिएगा शकरकंदी चाट की। धुएँ निकल रहे हैं ये चुस्की में, ठंडक के धुएँ नहीं, गर्मी के धुएँ निकल रहे हैं। चटनी वटनी ज़रा बाहर थोड़ा रिफ़्रेश होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। शाम का रात का खाना दिखा रहे हैं आपको, कितने बजे तक रहता है, टाइमिंग क्या रहता है इसका? 5:30 से 10:30 आइए टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट करेंगे नॉर्मल फ्रूट वाली चाट, जिसके अंदर इन्होंने बताया ये जो देख रहे हो ना आप, ये लोबिया है, रेड लोबिया, और इसको सिर्फ इसलिए डाला ताकि मसाला लपेटा जाए अच्छे से। इसके अंदर आलू, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हैं, और आमचूर की चटनी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कातिल लग रही थी। क्या टेस्ट है भाई, चटनी जो है ना दिल ले गई है, दिल ले गई है। मैंने पपाया के साथ एक बाइट ली ना, जिसके अंदर दाल नहीं थी, मेरे को सही में महसूस हुआ कि वो चटनी अच्छे से लपेटी नहीं है। कुछ सोच के भाई इतने सालों से बना रहे, 30 साल से, कुछ सोच के दाल डाली होगी ताकि क्या चटनी है। अगर आपको किसी भी उल्टी सीधी चीज़ की इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, वेजी पाजी इंस्टाग्राम पे पूछिए, हर जगह पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो यार भाई, वो ना बोल रहे थे चाट की चुस्की, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। आप जब तक देखोगे नहीं ना आपको समझ नहीं आएगा, ये 20 रुपये की एक चुस्की है, और इसका ना पहले चुस्की लेते हैं और फिर बाइट करेंगे भाई लिटरली। और देखो पूरा वो भी ऐसे बना रखा जैसे होता है ना काला खट्टा वगैरह में सिरप्स का मिश्रण, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ऐसे लेना है, और ये देखो पूरा मसाला कोट हो जाएगा, और आपने इसका बाइट ले लेना है। वो ज़्यादा खेलना नहीं है वरना। अब ये देखो हमने बाइट लिया, पूरा मसाला वहाँ पे सोक हो गया। हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं ना फॉर फूड, वेजिटेरियन फूड आपको दिखाने के लिए वैरायटीज़, मैंने आज तक ऐसी शकरकंदी की चाट नहीं खाई। और हम लोगों ने स्वीट पोटैटो की क्या क्या अलग अलग चीज़ें खाई है, स्वीट पोटैटो के फ्राइज खाए हैं, जब तक स्वीट पोटैटो फ्राइज वर नॉट इवन स्वीट पोटैटो फ्राइज, तब जाके अहमदाबाद में खाए थे। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी शकरकंदी की उल्टी सीधी चीज़ें खाई है, बट ये हैज़ टू बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग्स एवर, और बहुत टेस्टी है। आप कभी भी पानीपत में आपका चक्कर लगे, किसी रिश्तेदार का लगे, इसको ज़रूर आके ट्राई करना। तो ये ऐसी चीज़ है ना, चटनी तेज़ है, गले में जाके लग रही है, पर मन कर रहा है खाते ही जाऊँ, बहुत टेस्टी है, खाते ही जाऊँ और चुस्कियाँ लेते ही जाऊँ। ज़्यादा खेलना नहीं है इससे वरना टूट टाट जाएगी। मिलते हैं किसी और जगह पे कुछ और खाते हुए, कुछ पानीपत आए हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मज़ा आएगा। चटनी में ये सिर्फ आमचूर रहता है? नहीं, आमचूर है, धनिया पाउडर है, हाँ, और उसके बाद अपना इसमें चीनी रहती है। बढ़िया, मतलब वो चटनी का ना बंदा वो चटनी को देख लेना, बिना खाए रह नहीं सकता। हाँ इसके अंदर भी कई फ्लेवर आते हैं हमारे। हाँ अच्छा, ये आपको जो दिया रोज़ फ्लेवर में दिया है। रोज़ फ्लेवर में? अच्छा ये रोज़ कैसे, मतलब इसके अंदर गुलकंद के मिक्स है। अच्छा किसमें, चटनी में या मसाला? चटनी में। और कौन कौन से फ्लेवर रहते हैं, जैसे मैंगो का, पाइनएप्पल का? अच्छा सीजनल रहता, वो सीजन बाय सीजन रहता है। हाँ, सीजन बाय सीजन रहता है। बढ़िया, मज़ा आया, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे आप। अरे बाप, मज़ा आया। आप ना गलत टाइम पे आए। अच्छा आप अगर संडे को आते ना, इस टाइम आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। हाँ पर आपको तब, पर तब संडे को आपको बात करने का भी समय नहीं होता। एक बार में इनके कम से कम 40 से 50 गाने पर होते। अच्छा, और एक टाइम और हाथ इनका रुकता नहीं है। हाँ तो इतने इतनी भीड़ में ये हमसे बात भी ना कर पाते ना, बता भी ना पाते अच्छे से। ऐसा कुछ पुराना है, पसंद करते हैं लोग। आज तक इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। अच्छा
मतलब जब से इनका हमसे खाने लगे हैं, हाँ हाँ, मतलब 5-6 साल तो हमें भी खाते हो गए हैं। अच्छा, मतलब आज तक वही टेस्ट इनका है। क्या मतलब, एक मैंने बाइट खाई ना, मेरे को लगा कि हाँ भाई तृप्ति मिल गई है। नहीं, आप अगर इसको खा के देखोगे उनको जो इसको, हाँ आपका आनंद आएगा, आनंद आएगा, बिल्कुल आनंद आएगा। दिल से बनाते हैं ना जब, तो अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं ना कभी संडे को आकर देखो यहाँ पे, हाँ संडे को मतलब इनका हाथ ही रुकता ना, जैसे खूबसूरत होती है कि क्या क्या हो रहा है आसपास आजू बाजू में। असली ग्राहकी तो वही होती है कि पता ना चले कब समय निकल गया। एक टाइम में 40 गिलास जब लगते हैं ना, हाँ देखने लायक होगा कि 40 गिलास एक टाइम में कैसे हाथ इनका चलता है। चलता है, वो तजुर्बा है। बिल्कुल, वो तजुर्बा है, वही हाथ वो देखने लायक, वो असली तजुर्बा है। और उस तजुर्बे के फ्रूट्स फ्रूट्स हम खा रहे हैं। बहुत गंदे चोट थे यार, बहुत गंदे चोट। ये अन्ना डोसा का पनीर बटर डोसा लग रहा है। पानीपत में अभी हम लोग नाइट इवनिंग स्नैक्स मेन कोर्स व्हाटएवर वीडियो का लास्ट पार्ट, काफ़ी क्रेजी। यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के अन्ना डोसा है। ये वाला कौन सा है, क्या एरिया? ये सुखदेव नगर है, सुखदेव नगर वाला साउथ इंडियन अन्ना डोसा करके है ये। मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड करा था ये पनीर बटर। ना पनीर बटर के बाद मसाला बोलने पे ज़्यादा बंदे का मन करता है ना। इसमें प्याज पड़ा, इसमें टमाटर पड़ा, और इसमें बटर पड़ रहा है, अमूल बटर, प्याज बटर। ओ ओ ओ ओके, डेंजरस पनीर बटर नाम है ये। क्या ड्राई सांभर होता है ये शायद ना। पनीर डोसा में पनीर की बारिश हो रही है, जैसे नॉर्मल डोसा में चीज़ की बारिश होती है। इसका प्राइस कितने, 120 रुपये का है ये। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 4-5 बजे, 3 बजे से 10:30 3 से 10:30 तक चलता है। अच्छा, ये सूखा सांभर होता है या क्या होता है ये? नमक मिर्च मसाला टाइप। अच्छा टाइप वाला जो होता है। अच्छा, वो जो मसालों को पानी में डाल देते हैं ताकि मसाले फूल जाएं थोड़े। ये भाई ऐसे पनीर भुर्जी टाइप का नहीं लग रहा ये? डू यू लाइक बटर इन योर डोसा? डू यू लाइक एक्सट्रीम बटर इन योर डोसा, बताओ? क्योंकि ये तो लाइक पनीर एंड माय डोसा, ये तो बन तो आपके पसंद का ही रहा है भाई। जैसे पनीर पनीर ही समझ आता है। अच्छा, ये नॉर्मल पनीर देखो, वो पनीर आ गया ये नॉर्मल माइनस द बटर। आई थिंक आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस, बट जो नॉर्मल वाले में ना इतनी बढ़िया ब्राउनिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, होता है मतलब थोड़ा बहुत। बट आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो यार, कितना मतलब हम जैसे लोग स्ट्रीट फूड महीने में एक बार खाते हैं, वेजी बाजी जैसे। ओहो, सही बात है, बहुत ही सही बात, बहुत ही सही बात है। महीने में एक बार खा रहे हो तो बटर याद नहीं, महीने में एक आध बार, महीने में एक आध बार, महीने में एक आध बार इंटू 30 और 40 टाइम्स। तो थोड़ा ड्राइनेस है इसमें। देखो बटर का ग्लेज देखो, तो बटर से वो रिचनेस तो आता है, रिचनेस तो आती है ना भाई। आप जितना मर्जी बटर को बोलो कि टू मच बटर होते, ये देखो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। एक है नॉर्मल पनीर डोसा विदाउट द बटर, एक है विद बटर। देखो मन नहीं कर रहा नज़र हटाने का इधर से। दैट इज नाइस, कलर देख रहे हो इसका, नाइस कलर, अच्छे से क्रिस्पी करते हैं, बढ़िया। प्लेट रेडी, ले जाओ, दे दो मैं ले लेता हूँ। गाइज आइए स्टार्ट करते हैं अपना पनीर बटर। ओ भाई बटर बाहर निकल रहा है, पनीर एकदम लबालब तला हुआ है, डोसे का कलर देखो, दैट ब्राउन शेड ऑफ अ डोसा टेल्स यू कि बहुत बढ़िया सिकाई हुई है इसकी। ऐसा करता हूँ डोसा को हल्का सा तोड़ता हूँ पहले, तो आप ये पनीर को देखो एकदम हल्का मसाला पनीर का डला हुआ है। पनीर में मतलब ज़्यादा चीज़ें डली नहीं है, तो मैंने एक ऐसा करता हूँ, एक बाइट लेता हूँ ऐसे, ये देखो ये बाइट लेता हूँ, पनीर डोसा और चटनी चुटनी के बिना लेते हैं पहले, फिर चटनी के साथ, फिर सांभर के साथ, और फिर अंतिम बाइट। बटरीनेस ना एक्चुअली आपको महसूस होती है कि इतना सारा बटर डला है इसमें, लगभग से लगभग आई थिंक 50-1 ग्राम तो बहुत प्यार से डला होगा। अब चटनी इसके साथ टेस्ट करते हैं। पहले ना मैं ऐसा करता हूँ, एक चटनी ये वाली बाइट लेता हूँ, ये चटनी फिर थोड़ी गाढ़ी है, ये देखो टेक्सचर ड्रिपी टेक्सचर है इसका, और ये वाली बहुत ही रनी है। आई थिंक मैं ये वाली चटनी को डोसा पैनकेक में डालूंगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई अंग्रेज पहली बार पानी बताया हूँ। बहुत टेस्टी है, एकदम स्मूथ सा गूई सा टेक्सचर है, एंड दिस कोकोनट की चटनी के साथ ना बहुत कमाल का लग रहा है। मैं सांभर की बैठ लेता हूँ। अच्छा, आप कमेंट्स में बताना आप डोसा कैसे पसंद करते हो। मैं यूजुअली जो है डोसा मसाला सेपरेट लेता हूँ, आप कमेंट्स में बताना आप कैसा प्रेफर करते हो।
बट इस बार मसाले सेपरेट नहीं लिया क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें डोसे के ऊपर होती है, जैसे मंचूरियन डोसा खाते हैं, नूडल डोसा खाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डोसे के ऊपर होती है ना, वो साइड में निकल के वो ग्रेवी बन जाती है, दिस साइड में निकल के ना तो डोसा की एसेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने लुधियाना में बहुत सारे डोसे खा रखे हैं, इनका मज़ा ना मसाला सेपरेट करने में नहीं है, मसाला साथ में लेने में ही है। और सांभर इज़ ऑल्सो नाइस एंड एक्चुअल सूप, आप डोसा को चटनी के साथ खाओ और सांभर को पी जाओ, बढ़िया जगह है। सोचा नहीं था पानीपत में ऐसा बढ़िया साउथ इंडियन मिलेगा, बट हम लोग एंड कर रहे हैं अपनी वीडियो और आपसे मिलेंगे किसी और बेहतरीन एपिसोड में, कुछ और बेहतरीन वेजिटेरियन खाना एक्सप्लोर करते हुए, जैसे वेजी बाजी में रोज करते हैं, रोज हाँ रोज भी तो वीडियो डालते हैं। बट क्या सब्जी पानीपत में आओ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, पानीपत में पानी लगाओ।